जम्मू के रामबन से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक बस से संदिग्ध पैकेट मिला है। नासरी नाके के पास एक बस में ये संदिग्ध पैकेट बरामद किया गया है और इस पैकेट की जांच के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई। विस्फोटक की आशंका की वजह से ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है। कल ही जम्मू के सांबा जिले से के विजयपुर में पुलिस को एक पैकेट से IED मिला था, पिस्टल मिले थे, जिसे सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराया गया था और इसीलिए इस संदिग्ध पैकेट की जांच भी अब की जा रही है, कहीं इसमें कोई विस्फोटक ना हो। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुला लिया गया है और खतरे को भांपते हुए ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है, ताकि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो कहीं किसी को कोई नुकसान भी ना हो। ये तस्वीरें देखिए, ये जम्मू के रामबन की तस्वीरें हैं। ट्रैफिक रोक दिया गया है, बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गई है और जांच की जा रही है। इस संदिग्ध पैकेट की जांच हो रही है कि कहीं इसमें कोई ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई विस्फोटक तो नहीं है? खालिद हुसैन और जानकारी के साथ। खालिद, क्या जानकारी इस संदिग्ध पैकेट को लेकर? देखिए, ये रामबन जिले का नाशरी इलाका है, जहां पर एक बैटेडोर में एक संदिग्ध पैकेट मिला है और उसके बाद पूरे उस इलाके को कॉर्डन में लिया गया। कुछ देर के लिए ट्रैफिक जरूर नेशनल हाईवे पर रोक दिया गया था, लेकिन अब एक साइड से ट्रैफिक को जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस बैटेडोर को पूरी तरह से घेर लिया गया है और इसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो इस वक्त जांच कर रही है और जैसी आशंका जताई जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है इसमें विस्फोटक हो, IED पदार्थ हो, जिसको जो है कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए विस्फोट किया जाएगा। और नेशनल हाईवे में आपको बता दूं, जहां से कश्मीर के तरफ कानवाइज आती है सेना की, BSF की, CRPF की, हो सकता है मंशा ऐसी रही हो कि इस कानवाइ को निशाना बनाया जा सके, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ घटना अंजाम दिया जाए उसको जो है रोड ऑपनिंग पार्टी ने वहां पर जो है देख लिया और उसके बाद उस पूरे इलाके को घेरे में ले लेकर बम डिस्पोजल स्क्वाड को जो है काम पे लगा दिया गया है। इससे पहले भी हमने कल देखा जब ड्रोन के जरिए विजयपुर में एक पैकेट गिराया गया था जिसमें 2 चाइनीज पिस्टल बरामद हुए थे, एक आईडी भी उसमें बरामद हुई थी और इसके साथ साथ 4 मैगजीन्स बरामद हुए थे, 5 लाख रुपए की इंडियन करेंसी बरामद हुई थी। तो इस तरह से विस्फोटक जो है ड्रोन के जरिए इस जम्मू कश्मीर में पहुंचाया जा रहा है, कुछ को पकड़ा जा रहा है और कुछ जो है जो मिलिटेंट्स के हाथ लग जाता है और उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज नेशनल हाईवे को टारगेट करने की कोशिश की गई और जो नेशनल हाईवे है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इस हाईवे से लगातार फोर्सेस की गाड़ियां चलती है, VIP की मूवमेंट्स होती है, इसलिए लगातार इस नेशनल हाईवे के संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे जो है रोड ओपनिंग पार्टीज एक इंटरवल्स के बाद पेट्रोल करती है और उसी पेट्रोल का नतीजा है कि एक संदिग्ध जो पैकेट जो है बरामद हुआ, जब एक आइसोलेटेड बैटेडोर को नाशली के मोड़ पे देखा गया और उसको तलाशी ली गई तो वहां एक संदिग्ध पैकेट मिला और अभी तक इसकी जांच हो रही है। अब इसमें क्या निकल आता है, लेकिन जैसे सूत्र बता रहे, जिस हिसाब से शेप है इस पूरे पैकेट की, उससे लगता है कि इसमें विस्फोटक है और उसको इसी इरादे से रखा गया था कि किसी घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन बरवक्त कार्रवाई और जो लगातार फोर्सेस की चौकन्नी पेट्रोल पार्टी रही है उसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। जी शुक्रिया खालिद इस जानकारी के लिए। तो जांच अब भी जारी है संदिग्ध पैकेट की और इसमें कहीं कोई विस्फोटक ना हो, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर है और ट्रैफिक को भी फिलहाल रोक दिया गया। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।